तो गाइस, कॉफी विद कोरिया को आज हम लेके आए हैं अपने ऑफिस से बाहर। हमने सोचा क्यों ना हम आपको ले जाएं आज जनपद दिखाने, तो चलिए। अरे अरे जी, क्या हो गया? आर यू ओके? ठीक हो आप? भूख लगी है आपको? आलियो ओके गाइस, सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ खाना है? पता नहीं कौन है, मुझे नहीं पता। क्या हो क्या गया आपको? Are you all right? Like, कुछ खाना है, कुछ पीना है? आलियो कुछ प्रॉब्लम है? आलियो तो होगा, बता दो यार, इट्स ओके, लाइफ हैपेंस, क्या हुआ है? एक्चुअली मुझे वही प्रॉब्लम है जो सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, और वो है कपड़ों की। वो तो सबको ही पता है कि लड़कियों का एक ही फंडा होता है लाइफ में, वो होता है मेरे पास तो कपड़े नहीं है। अरे तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने तो यहाँ आए हैं हम। अरे तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने तो यहाँ आए हैं हम। तो मैं वही आपको बता रही थी कि कोरियन लैंग्वेज में मैंने बोला, प्रियांशा मेरे पास कपड़े नहीं है। तो आज हम उसी के लिए यहाँ पर आए हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे, थोड़ा सा कोरियन कल्चर के बारे में बात करेंगे, और प्रियांशा के फेवरेट के ड्रामा के बारे में भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, गॉसिप भी करेंगे। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आ जाओ, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या अच्छा मिल रहा है, और दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या है खास। क्या पता कि यहाँ पे शॉपिंग करते करते तुम्हें लीसा और एर्नॉल्ड मिल जाए? लीसा और एर्नॉल्ड मिल जाए? लीसा और एर्नॉल्ड मिल जाए? Oh God, उनका तो क्या ही सीन चल रहा है। वो लीजा सोचती है कि वो कहीं नहीं पकड़ी जाएगी, बट बेचारी चाहे कोरिया से बाहर भी चले जाए, लोग उसको और उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ते ही नहीं है। भैया, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है ये से मुझे देख के लगता है, और जिस तरीके से लोग पकड़े जाते हैं, मुझे लगता है इसका एक नाम देने देना चाहिए। क्या? क्या? प्यार का पंचनामा। प्यार का पंचनामा। नहीं, मुझे लगता है या तो अजब प्रेम की गजब कहानी, या फिर पट्टी और पप्पी। मुझे लग जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है गोलमाल रिटर्न्स भी अच्छा लगेगा। अभी इस समय जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि लीजा और एर्नॉल्ड एक बार फिर से कहाँ पकड़े गए? कहाँ पकड़े गए? पेरिस में। नहीं, पेरिस में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो देखिए ये फोटोज देखिए। हम लाख छिपाए प्यार, मगर दुनिया को पता चल जाएगा। लेकिन छिप छिप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। एक गाना तो आपको याद ही होगा, वो ही हाल आजकल देखने को मिल रहा है लीजा और फ्रेडरिक का। दोनों ने काफी कोशिश की कि लोगों को इनके बारे में पता न चल जाए, लेकिन अफसोस, कैमरे की नजरों से क्या कुछ बचा है जो अब बचेगा। ब्लैक पिंक्स लीजा हैज वंस अगेन बीन सीन ऑन अ डेट अगेन विद ग्लोबल मैग्नेट फ्रेडरिक आर्नॉल्ट एट द रोडन म्यूजियम इन पेरिस फ्रांस। लेकिन पैपराजी ने उनको यहाँ भी नहीं छोड़ा और धड़ाधड़ उनकी फोटो खींच ली, जिसमें दोनों शान से म्यूजियम के गार्डन में टहलते दिखे। सिर्फ टहलते ही नहीं दिखे, बल्कि दोनों आइसक्रीम को भी एंजॉय करते दिखे। ड्रेस्ड इन अ ग्रे लॉन्ग कोट एंड जीन्स, लीजा पेयर्ड विद फ्रेडरिक आर्नॉल्ट, हु वोर अ ब्लैक कोट एंड व्हाइट पैंट्स, अपीयर्ड रिलैक्स्ड एंड अनगार्डेड विदाउट हैट्स और सनग्लासेस। और यही वजह थी कि वहां मौजूद लोगों ने इनको फटाफट से पहचान लिया और इनकी फोटोज खींचकर वायरल कर दी। अब आप ही बताइए, यूं ही कोई हर महीने फ्रांस के चक्कर तो नहीं लगाता? और लीजा तो हर महीने फ्रांस में ही पाई जाती है। अच्छा चलिए मान लीजिए लीजा काम से फ्रांस गई, पर म्यूजियम में यूं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह आइसक्रीम खाते हुए कौन घूमता है? क्यों, है ना?
वैसे ये पहली बार नहीं जब दोनों की डेटिंग करते हुए तस्वीरें वायरल हुई हो। इससे पहले भी कई बार कभी अमेरिका में घूमते हुए, तो कभी थाईलैंड में, तो कभी पेरिस के रेस्टोरेंट में, तो कभी एयरपोर्ट पर दोनों की तस्वीरें वायरल हुई है। यहाँ तक कि हाल ही में लीजा के फोन के कवर से भी दोनों के रिश्ते का सारा राज खुल गया था। बीच में दोनों की सगाई की खबरें भी काफी वायरल हुई थी। आफ्टर लीसा वाज सीन ट्रैवलिंग विद आर्नॉल्ड्स फैमिली हु आल्सो अटेंडेड एन एडल्ट कैबरे शो क्रेजी हॉर्स वेयर लीजा होस्टेड। फिलहाल तो इनकी इन तस्वीरों ने काफी बवाल मचा रखा है। हालांकि लीजा की एजेंसी ने अभी तक इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, हम लोग आज आए हैं जनपद, और जनपद में हम चलिए करते हैं एक्सप्लोर कि हमें यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे कपड़े ज्वेलरी बहुत अच्छे मिलते हैं। We have some shades here. ये देखिए, मात्र 200 रुपए में आपको ये शेड्स मिल सकते हैं। आप 2-3 महीना पहनिए, स्टाइल मारिए और फिर फेंक दीजिए। इससे अच्छी डील आपको कहीं नहीं मिल सकती, क्यों प्रियांशा? बिल्कुल बिल्कुल सही, और इनसे जरूर मिलना भाई। मैंने खास आप लोगों के लिए नाम पूछा है, राजू। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि जनपद में काफी सस्ते और काफी अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम कपड़े ले और थोड़ा कोरियन ड्रेस देखते हैं यार। क्या पता कुछ सस्ते में अच्छी सी कोरियन ड्रेस मिल जाए। अगर आप कोरियन के ड्रामा के फैंस हैं तो आई एम श्योर इनको वो कोरियन कपड़े, वो शॉर्ट स्कर्ट्स और उस तरह के शर्ट्स और लूज टी शर्ट्स, राइट, कोरियन क्लिप्स, वो उन लोगों को पसंद आई, पसंद आएगी। अग्रीड। तो मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बट एक सेकेंड, इससे मुझे याद आया, कपड़ों को कोरियन में क्या बोलते हैं ये बताओ, आपको पता है? कपड़ों को कोरियन में, देखिए अभी यहाँ पे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बोला था, उस लोपसोयो। अरे जब ये बीमार हो गई थी बीच में, ये कैसे भूल गई मैं। तो अब आप सुनिए, कपड़ों को कोरियन में क्या कहते हैं बताओ। ओस, याद रखना गाइस, कोरियन में कपड़ों को बोलते हैं ओस, और ओप्सोयो मतलब शॉपिंग। अच्छा, ये सब तो ठीक है, बट क्या आपको उस गॉसिप के बारे में पता है? आई थिंक तुम जिस गॉसिप के बारे में बात कर रही हो वो मुझे पता है कि माई रूममेट इज ए गुमी हो। नो, चलो पहले आप कंप्लीट करो, बट आई थिंक इट्स नो फ्रॉम माई एंड। माई रूममेट इज ए गुमी हो का जो एक्टर है, जो नाम तो नहीं याद, बट वो शायद एक सीरीज के साथ वापस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल से वो गायब थे, मिलिट्री इन्वेस्टमेंट के लिए गए हुए थे, और अब उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ओके, बट दिस इज नॉट द गॉसिप। फिर क्या है? गॉसिप ये है कि पाक वो गम और बे सूजी उनके बीच में ना, मतलब देयर इज समथिंग कुकिंग बिटवीन देम। सीरियसली? या मतलब ऐसा हो रहा है, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता, बट फोटोज आई है। मुझे भी दिखा दो यार, कहाँ है फोटोज? इन दोनों को पहचाना आपने? ये है पार्क बो गम और बेस सूजी। हाल ही में सूजी ने फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। फोटो में इन दोनों की केमिस्ट्री कमाल दिख रही है। Whether flashing bright smiles at the camera or sharing playful winks, they effortlessly create a cheerful ambiance. और जिस प्यार से पार्क बो गम ने सूजी को पकड़ रखा है, उससे तो ये साफ झलक रहा है कि दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो चल रहा है। नेटिजंस ने जब ये फोटो इंस्टाग्राम पर देखी तो वो खुश हो गए। लोगों ने भर भर कर कमेंट किए। जाहिर ये इस कपल के बारे में न पहले किसी ने सुना था, न कभी साथ में देखा था, तो ये सभी फैंस के लिए एक जबरदस्त सरप्राइज था। पर अब सवाल ये है कि क्या सच में दोनों डेट कर रहे हैं,
और अगर कर रहे हैं तो फिर ये दोनों तो बड़े बोल्ड हो गए हैं, खुलेआम तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। वाह भाई वाह, ये तो कमाल ही हो गया। कोरिया में सेलिब्रिटी डेटिंग को लेकर इतना बवाल होता है ना, ऐसे में अगर वाकई ऐसी तस्वीरें कोई डालता है तो फैंस उसे ट्रोल करने लगते हैं। वेल, ये तस्वीरें एकदम सच्ची है, लेकिन इनसे जुड़ी रूमर एकदम झूठी। दोनों के बीच अफेयर नहीं चल रहा है, बल्कि दोनों नजर आने वाले हैं नई सीरीज वंडरलैंड में। ये पहली बार होगा जब पार्क बो गुम और बे सूजी एक दूसरे के साथ स्क्रीन करेंगे। वैसे रिलीज से पहले ही इस सीरीज ने काफी बज क्रिएट कर दिया है, और इस फोटो के आने के बाद तो पीपल कांट वेट टू सी देम टुगेदर। तुमने वो देखी है क्या, लवली रनर? नहीं। सो लवली रनर जो है फिल्म, वो सीरीज वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं है और अमेजोन पे भी अवेलेबल नहीं है, बट एक वाइकी नाम का जो कोरियन जो यूज़ करते हैं, आई थिंक इट्स एन ऐप या फिर कोई एक वेबसाइट है जिसको वो यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको ये फिल्म देखने को मिलेगी। एंड बिलीव मी, ये फिल्म, ये सीरीज़ इतनी अच्छी है कि ये समय नंबर वन पे, टॉप चार्ट में नंबर वन की पोजिशन पे है। अच्छा ये तो ठीक है, बट आप मुझे एक बात बताओ, ह्यूमन चेरी ब्लॉसम, आई एम रिपीटिंग ओके, ह्यूमन चेरी ब्लॉसम किसे बोलते हैं? आई थिंक मुझे पता है, लेकिन वो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उसके साथ में एक और कनेक्टिंग स्टोरी है। पहले आप मुझे बताओ, ह्यूमन चेरी ब्लॉसम किसे कहते हैं? इज इट जी चांगवुक, ली मिनहो और किम ताहियोंग? देखो फ्रेंड्स, जी चांगवुक का नाम तो आना ही था, क्योंकि ये मैडम जैसी दीवानी है ना उसके। मेरा प्यार है वो, प्यार मेरा। सुन रहे हैं आप इसकी दीवानगी, इसका दिन उसी से शुरू होता है, इसका दिन उसी से खत्म होता है, लेकिन जी चैंग वो जो है ह्यूमन ब्लॉसम चेरी नहीं है। वो कौन है? क्यों बताया आपने ये? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब आई नो, बट ऐसा नहीं बोलना था कि वो नहीं है, आप सीधा आंसर दे सकते थे। वो बहुत मैनली है, वो बहुत मैनली है, मतलब ह्यूमन चेरी ब्लॉसम समझ रही हो, जो थोड़ा पिंकिश हो, सॉफ्ट हो, कुछ कुछ हो। कम ऑन, ही इज वेरी कुछ कुछ। एक्सक्यूज मी, आई एम ऑफेंडर नाउ, सॉरी। ये गुस्सा हो गई, इसको छोड़ दो। चलिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो छोड़ो मत, मेरे बिना शो नहीं होगा, मुझे साथ लेके चलो। जिसकी मैं बात कर रही हूँ, अभी जो हम आपको नेक्स्ट दिखाने वाले हैं वो दो स्टोरीज हैं। एक तो प्रियांशा का जो ये ह्यूमन चेरी ब्लॉसम कौन है, और दूसरा एक ऐसा इंसान है या एक ऐसी सेलिब्रिटी है जिसको लोग उसके रियल नेम से नहीं बल्कि उसके कैरेक्टर नेम से ज़्यादा पहचानते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले आपको मिलवाते हैं ह्यूमन चेरी ब्लॉसम से। Any guesses? Well, सबसे पहले आपको बताते हैं ये ह्यूमन चेरी ब्लॉसम आखिर है क्या। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही आइडल चैंप नाम का एक सर्वे किया गया था, स्प्रिंग इन फुल ब्लूम विद चेरी ब्लॉसम्स, विच आइडल दैट सूट्स पिंक इज अ ह्यूमन चेरी ब्लॉसम। इसी के पैरेलल जापान के मीडिया आउटलेट डैनमी ने भी सर्वे किया। इसके मुताबिक आपको उस एंटरटेनर के लिए वोट करना था जो पिंक कलर में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इस सर्वे में कई लोगों ने वोट किए, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले थे वो थे साउथ कोरियन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर जिमिन। ना सिर्फ जिमिन सिंगर और सॉन्ग राइटर बल्कि बीटीएस के पॉपुलर मेंबर भी है। जिमिन ना सिर्फ आइडल चैंप सर्वे में टॉप पर पहुंचे, बल्कि जापानीज डैनमी में भी नंबर वन की पोजीशन हासिल की विद 13,949 ऑफ द वोट्स और 49.4% ऑफ द टोटल। इसलिए अब लोग उनको जिमिन नहीं बल्कि ह्यूमन चेरी ब्लॉसम बुलाते हैं, क्योंकि पिंक में जिमिन सबसे ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस एक्टर का रियल कैरेक्टर उनकी ओरिजिनल पॉपुलैरिटी पर हावी हो गया वो और कोई नहीं बल्कि लवली रनर के बायोन वू सियोक हैं, जो शो में रियू सुन जे का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ही प्लेज बोथ एन 18-year-old स्टूडेंट एंड अ 34-year-old सेलिब्रिटी, कैप्चरिंग द हार्ट्स ऑफ फैंस एवरीवेयर। अब हालात ये है कि शो तो पॉपुलर हुआ, पर उससे ज्यादा उसका कैरेक्टर पॉपुलर हो गया, जिसका जीता जागता सबूत मिला एक फिल्म फेस्टिवल के दौरान, जहां रेड कार्पेट पर फैंस और मीडिया ने उनको उनके असली नाम से नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर के नाम से पुकारा। इससे बड़ी बात क्या होगी कि लोग आपको आपके नाम से कम और आपके काम से ज्यादा जानते हैं।
आज के शो के लिए बस इतना ही। अरे पर शो से पहले हमने आपसे पिछले हफ्ते एक क्विज पूछी थी अगर आपको याद हो, तो अब हम आज आपको देंगे उसका आंसर। तो क्विज वाज कि आई लव यू को कोरियन में क्या कहते हैं, एंड उसका आंसर है सारंगे। सारंगे गाइस, तो याद रखना मेरा नाम है प्रियांशा और मेरा नाम है शिल्पी, हमारी तरफ से सारंगे गाइस। और हर हफ्ते हम आपके लिए ऐसे ही कुछ दिलचस्प चीज़ें लेकर आएंगे, नए नए मार्केट्स में जाएंगे और कोरियन कल्चर से जुड़ी या फिर कोरियन के ड्रामा से जुड़ी बहुत सारी गॉसिप्स आप तक पहुंचाएंगे। चलते हैं, बाय बाय। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।